उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांटे के मुकाबले की जानकारी मिल रही है, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि दो सीटें ऐसी हैं जिन्हें कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और जो खबर उन सीटों को लेकर आ रही है वो चौंकाने वाली है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली और अमेठी की। देखिए, अब तक कांग्रेस प्रत्याशी के नाम तय भी नहीं हो पाए हैं और जिन नामों की चर्चा लगातार हो रही है उन नामों पर भी संशय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अमेठी के रण में पल पल समीकरण बदल रहे हैं। कमोबेश यही हाल रायबरेली का है। वजह है राहुल प्रियंका की कभी हाँ कभी ना। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल प्रियंका ने अब तक अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी। तो मैं बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी के जो सबसे सीनियर लीडर्स हैं उनमें चुनाव लड़ने के प्रति इतनी उदासीनता कह लें या इतनी अनिर्णय की स्थिति है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि या तो उनके चुनाव लड़ने के ऊपर पार्टी के अंदर ही एक तरह का कंसेंसस नहीं है, विचार एक नहीं हो पा रहा है, या ये दोनों लोग खुद ही चुनाव लड़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी एक ही परिवार के सभी सदस्यों के संसद में होने को राजनीतिक रूप से सही नहीं मानते। इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल में बातचीत जारी है। वहीं कल प्रियंका गांधी और खड़गे के बीच भी इसी मुद्दे पर बातचीत हुई थी। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी परिवारवाद के खिलाफ खड़े हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने भी कांग्रेस सपा के परिवारवाद पर न्यूज 18 के इंटरव्यू के दौरान करारा प्रहार किया था। डिंपल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े, तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, चार बार बोल रहे हैं। नहीं, गर्व से ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ये उनका मूल कैरेक्टर है, इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर्स के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। इधर राहुल प्रियंका की नानुकुर चल रही है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन पहले ही अपना नामांकन कर चुकी है। वैसे भी बीजेपी अमेठी में मुकम्मल तैयारियां कर चुकी है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी से चुनाव लड़ने पर अब तक भ्रम की स्थिति है। ऐसे में अमित शाह ने इन दोनों पर तंज कसा। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं, मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अब भी चाहते हैं कि राहुल प्रियंका ही अमेठी रायबरेली का चेहरा हो। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी यूपी कांग्रेस कमेटी से राहुल प्रियंका को अमेठी रायबरेली से लड़ने का प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही है। प्रियंका जी, राहुल जी लड़े, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी एक प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीईसी में भी यही निवेदन किया गया कि परिवार से कोई न कोई चुनाव लड़े, तो वो निर्णय हो जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी उसके बारे में कह चुके हैं कि जल्दी ही निर्णय होगा और आपको चौंकाने वाले परिणाम आए। यानी एक बात तो साफ है, परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार विपक्ष पर असर कर रहा है। एंड पहले राहुल प्रियंका गांधी का मन डगमगाना इस बात का इशारा है। सवाल ये है कि अगर राहुल प्रियंका अमेठी रायबरेली सीट से नहीं उतरे तो कौन विपक्ष का चेहरा होगा, और कम वक्त में इंडिया ब्लॉक कैसे चुनाव की तैयारी करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवार की गठरी कब खुलेगी ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता देते हैं महज 2 दिन बचे हैं अब नामांकन के लिए। अब देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ना प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती हैं और ना राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कौन उम्मीदवार होगा ये जानना जरूरी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।